हेलो फ्रेंड्स, एके लॉग्स एंड रेसिपीज में आपका स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट रेसिपी है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैगी क्यूब पुलाव। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग, साथ ही मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च और जीरा। मैंने यहाँ 2 मीडियम प्याज लिए हैं, आप छोटे 2 प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन और मिर्च की स्मेल ना रहे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा गरम मसाला यानी 1/2 चम्मच। हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसमें 2 क्यूब्स हम चिकन मैगी के डाल रहे हैं, मैगी क्यूब्स स्टॉक बोलते हैं उसको, और ये अमेज़न पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम चिकन मैगी क्यूब डाल रहे हैं तो हमको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। चिकन को कुछ देर ढककर पकाए और इसमें 2 कटोरी पानी डाल दे ताकि चिकन हमारा नीचे से लगे ना। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल दे या फिर स्किप कर ले। अब हम इसे ढककर तकरीबन 15-20 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि हमारा चिकन और आलू गल जाए। अब हम जो पानी ऊपर डाला हुआ है उसे शामिल कर लेंगे और 2 कटोरी पानी गरम करके वो भी शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 2 कटोरी जो राइस मैंने भिगा रखा था उसे शामिल कर लेंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक पानी सूख नहीं जाता। ये कटोरी यूज की है मैंने चावल और पानी के लिए। बीच बीच में चलाते रहिए। हमारा पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ ऊपर से। ऐसा करने से चिकन पुलाव में अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 20-15 मिनट पकाऊंगी धीमी आंच पर। लीजिए, हमारा पुलाव तैयार है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ। चिकन पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और एक बार ज़रूर ट्राई करना।
ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।